कहते हैं भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो आसान होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे ही चलती है। अपने रास्ते खुद बनाइए, भीड़ को तय मत करने दीजिए अपने रास्ते, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। सीढ़ियां तो उनको मुबारक यार जिनको सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है। उन आसमान पर पहुंचने के ना रास्ते होते नहीं है, रेडीमेड नहीं होते, बनाने पड़ते, खुद बनाने पड़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिन्होंने अपने रास्ते भी खुद बनाए, अपने लिए मौके भी खुद ही बनाए। आज हम बात करने वाले हैं निर्मा ग्रुप के फाउंडर करसनभाई पटेल की लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। बहुत सारी बातें सिखाती है, बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी है। बीएससी करने वाला बंदा अपनी लाइफ में क्या कर सकता है? बीएससी को जनरली लोग लास्ट ऑप्शन की नज़र से देखते हैं। जब किसी को एडमिशन मिलता है बीएससी में, वो ये सोचता है कि यार मुझे इंजीनियरिंग करना था, मुझे फलाना ढीमा का पता नहीं क्या क्या करना था, मैं बीएससी करके क्या करूँगा, मेरी तो लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई। नहीं, देखो इस वीडियो के अंदर कि बीएससी करके इंसान क्या अचीव कर सकता है, दूसरा कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हैं, और तीसरा साइकिल चलाने वाला बंदा बिलियनर कैसे बन सकता है। ये जर्नी ना हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। करसनभाई पटेल का जन्म गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के रूरपुर गांव में एक किसान के घर में हुआ। एजुकेशन उन्होंने वहीं से लिया हुआ है। 21 साल की एज में उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ बीएससी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद की एक कॉटन मिल में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, और उसके बाद 1969 में उन्हें गुजरात सरकार के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कितना है तो आप सबको पता ही है, उस वक्त भी ऐसा ही था। खास करके किसी गरीब परिवार के लड़के या फिर लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिलती थी तो मानो जंग जीत ली हो, उतनी खुशी होती थी, आज भी होती है। करसनभाई को एक सेफ जॉब ऐसी मिल गई थी, अब आगे सोचने की या फिर कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो पढ़ाई की थी कॉलेज में, उन्हें बेकार क्यों जाने दिया जाए, उस पढ़ाई से आगे क्या हो सकता है वो सोचना शुरू कर दिया। और अपने घर के पीछे वाले हिस्से में केमिकल्स के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पूरा दिन जॉब करो, फिर शाम को घर पे आके एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, ये उनका रूटीन हो गया। मेहनत करते करते उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर का एक फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद करसनभाई ने हैंडमेड डिटर्जेंट पाउडर का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। वन मैन आर्मी, खुद ही घर के पीछे वाले हिस्से में इस पाउडर को बनाना, फिर उसको पैक करना और साइकिल पर सजाना। करसनभाई उस वक्त पे साइकिल पर जॉब पर जाते थे रोज, तो रास्ते में ये पाउडर आसपास के गांव में बेचते बेचते जाते थे। सोचो 8-10 घंटे की जॉब, बाकी के टाइम पे प्रोडक्शन करना, फिर सेलिंग करना, सब कुछ खुद ही करना, घर घर जाके, वो भी साइकिल पर। आसान होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो करते थे क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था। जब कुछ करना होता ना किसी को, तो फिर एनर्जी, टाइम, रास्ते, सब कुछ अपने आप मिल जाते हैं, निकल जाते हैं। जब कुछ करना ही नहीं होता है तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ दिखता नहीं है सामने। धीरे धीरे करके रेगुलर कस्टमर्स बनते गए, लोगों को उनका पाउडर पसंद आने लगा था, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी थी, क्योंकि प्रोडक्ट में सच में दम था। करसनभाई को भी अपने इस प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि वो कमिटमेंट करते थे कि अगर आपको हमारा डिटर्जेंट पाउडर पसंद नहीं आया तो मैं आपको पूरे के पूरे पैसे वापस दे दूंगा, आप एक बार यूज़ करके तो देखिए। करसनभाई के डिटर्जेंट का एक और पॉजिटिव पॉइंट था, उसकी लो प्राइस। उस टाइम पर जब बाकी जो ब्रांडेड डिटर्जेंट थे वो 13 रुपये किलो के हिसाब से मिलते थे, और करसनभाई का पाउडर 3 रुपये में किलो मिलता था, और वो भी इस क्वालिटी के साथ। उसमें भी ये गारंटी कि अगर पसंद नहीं आया तो फिर पैसे वापस मिलेंगे, फिर कौन नहीं खरीदेगा। करसनभाई ने इस पाउडर को अपनी लड़की की याद में निर्मा नाम दिया, उनकी लड़की का नाम निरुपमा था। 3 साल बाद करसनभाई ने ये करते करते फिर काफ़ी अच्छा नेटवर्क बना दिया था। 3 साल तक यही काम किया, साइकिल पर जाके घर घर जाके पाउडर बेचा। उसके बाद अहमदाबाद के एक सस्ते एरिया में एक शॉप शुरू की इस डिटर्जेंट की बिक्री के लिए। अब उन्होंने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, सेल्समैन की टीम भी बढ़ा दी। पहले करसनभाई अकेले जाते थे, उसकी जगह पर पूरी टीम, पूरी आर्मी उनकी अलग अलग गाँव में, शहरों में जाते थे। आज भी यही कमिटमेंट करते थे कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है तो पूरे के पूरे पैसे वापस दिए जाएंगे। धीरे धीरे करके गुजरात के हर गांव में, हर शहर में ये पाउडर पहुंचने लगा। निर्मा एक ब्रांड बन के उभर रहा था।
एक छोटे से कमरे के पीछे के हिस्से में शुरू हुई कंपनी अब गुजरात की टॉप डिटर्जेंट कंपनीज के लिस्ट में आ चुकी थी। विदेश की जो कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी सेट थी उनकी तो मानो निर्मा ने बैंड बजा के रख दी थी, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत टूटने लगा था, क्योंकि वो लोग इतना सस्ता पाउडर नहीं दे पाते थे। और करसनभाई का तो मंत्र ही था वैल्यू फॉर मनी, कम पैसा लेंगे लेकिन उतने पैसों का भी आपको पूरा निचोड़ मिलेगा। कम पैसा ले रहे इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी डाउन होगा, ऐसा नहीं है। और इतने पैसे में तो इतना भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतने ही पैसों में आपको इतना बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, ये उनका मंत्र था। अब गुजरात तो कवर हो गया था, करसनभाई की नजर अब थी बाकी के हिंदुस्तान के ऊपर। काम शुरू कर दिया गया, टीम्स को बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी बिजनेस लॉस में जा रहा था, क्योंकि व्यापारी लोग माल भर भर के ले जाते थे लेकिन टाइम पर पैसे नहीं देते थे। अब प्रोडक्शन पर फोकस करें कि लोगों से पैसे मांगने में टाइम वेस्ट करें, ये मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसके बाद करसन भाई ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसे हमारे धीरू भाई ने अपनाई थी। सभी एम्प्लॉयज की मीटिंग बुलाई गई और बाहर के स्टेट्स में जितना माल दिया गया था सब वापस खींच लिया गया। उसके बाद दूरदर्शन, जो एक लौती नेशनल चैनल थी, उसके ऊपर निरमा वॉशिंग पाउडर की एड देना शुरू किया गया। और ऐसे शुरू किया गया मतलब लोगों की बार बार एक ही चीज़ पे नज़र पड़े, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। लोगों को उसकी जिंगल ना दिमाग में बजने लगी थी, इतना है मरेंगे, इतना ऐड, लेकिन मार्केट में माल जीरो। लोग निरमा वॉशिंग पाउडर को हर दुकान पर ढूंढने लगे, लेकिन माल तो कहीं पर था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने भेजा ही नहीं था। एड्स चलाते गए, थक हार के व्यापारी लोग इनके पास आए, पैसे हाथ में दे के माल खरीदने लगे। कोई भी उधारी का माल नहीं मिलेगा, माल चाहिए तो भाई पैसे रखो, माल लेके जाओ, ये उनका सिस्टम हो गया। उसके बाद निरमा ने जो स्पीड पकड़ी है, 1985 तक निरमा इंडिया की लीडिंग डिटर्जेंट कंपनी हो गई थी। और उसके बाद करसन भाई ने निरमा के दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में रखना शुरू कर दिया था, जैसे कि साबुन, नमक, चीनी, सोडा ऐश, प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर, कॉस्मेटिक्स भी आ जाते हैं उसमें। उनमें से खास करके नमक और ब्यूटी सोप हिट हो गया। अब करसन भाई की नज़र थी दुनिया के ऊपर, यहाँ पर वो बैठने वाले नहीं थे शांति से। आज निरमा भारत के साथ साथ कई सारे देशों के अंदर सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर रही है, और ये प्योर इंडियन कंपनी है, तो बाहर जो सेलिंग होता है इसका, उससे भारत देश को करोड़ों का फायदा होता है और भारत के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है वो अलग। एजुकेशन फील्ड की बात करें तो 1995 में करसनभाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। उसके बाद एक प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की गई। बाद में दोनों संस्थान निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गई। इन संस्थानों को निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। 2004 में निरमा लैब्स की भी स्थापना की गई। साइकिल पर घूमने वाले करसन भाई के पास अपने हेलीकॉप्टर्स है आज। लोगों के घर जा जा के डिटर्जेंट बेचने वाले करसन भाई आज बिलियनर है। 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेट वर्थ $3.9 बिलियन है। अगर उस वक्त पे वो ये सोच के बैठे रहते कि BSc करके गवर्नमेंट जॉब तक तो पहुंच गया हूँ और आगे क्या कर लूँगा, जब साइकिल पर वजन लेके जाते होंगे थकते भी होंगे ना, लोगों के जब डोर नॉक करते होंगे उनके सामने वो डिटर्जेंट के बारे में बताते होंगे, तब लोग मुँह पर दरवाज़ा बंद करते होंगे ना, ऐसा भी होता होगा ना, जब अपने घर पर वो पीछे अकेले अकेले डिटर्जेंट बनाते होंगे, तब ये मेहनत छोड़ के शांति से गवर्नमेंट जॉब करता हूँ ये ख्याल भी आता होगा ना, सब हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपने लिए मौके ढूंढना बंद नहीं किया, रास्ते बनाना बंद नहीं किया। बिजनेस ना कोई कोर्स करके नहीं सीखे थे, किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया था, खुद ही किया, खुद ही सीखे, खुद ठोकर खाई, तब जाके ये सब सीख पाए और यहाँ तक पहुँच पाए। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई हीरो आ जाएगा, आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा बॉस। मौके अगर नहीं दिखाई देते हैं ना तो निराश मत हो जाओ यार, मौके बनाना सीख जाओ। लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाओगे। शुरू तो करो, ठोकर खानी पड़ेगी और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। ठोकर खा के गिरने में और शुरुआत किए बिना ही हार जाने में ना बहुत फर्क होता है यार। ठोकर खा के ना गिरने के बाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर अगर शुरुआत नहीं हुई ना तो उस वक्त को वापस कभी नहीं ला पाओगे। तो शुरू करो। ओके देन, ये थी आज की बातें।
करसन भाई की पूरी स्टोरी, पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ नया शुरू करोगे। अगर कुछ बंद करके रखा है कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, वो अब आप शुरू कर दोगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोज़ को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम आपके लिए ऐसी सक्सेस स्टोरीज लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा लोग चाहेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो डेफिनेटली वीडियो बनेगा। बाकी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।